नमस्कार, आप सभी का हमारे चलचित्र में स्वागत। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी महाराजा, जिसकी कहानी आपका दिमाग हिलाकर रख देती है, आपको पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख देती है और वो कहानी आपके लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल देती है। फिल्म के अंदर कुछ ऐसे पहलू है जो आपने नोटिस नहीं किए होंगे, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप स्टारर तमिल मूवी 14 जून को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी थी। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाने के बाद अब ये फिल्म 12 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। साउथ में इस मूवी को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था, वहाँ के लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तभी इनका सक्सेस देखते हुए जब ये नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज हुई तो पूरे देश ने इस मूवी को बहुत पसंद किया। सीन दर सीन ये फिल्म आगे बढ़ती चलती है, दर्शकों का पूरा ध्यान भी रहता है, लेकिन फिल्म में आगे क्या होने वाला है ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इस मूवी में जितना दिखता है उतना नहीं है। इस मूवी में बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की, तो चलिए एक एक चीज के बारे में बात करें। नंबर 1, सांप। महाराजा यानी विजय सेतुपति जब अपने घर आते हैं तभी उनके घर में एक सांप होता है, और यह सांप बाथरूम से बाहर आता है और बेहोश विजय सेतुपति के शरीर के ऊपर से चला जाता है और खिड़की पर रखी हुई एक चीज उसके पूंछ से गिर जाती है और उसकी आवाज से विजय सेतुपति उठ जाता है। दूसरी बार ये सांप महाराजा को तब मिलता है जब ये चोरी की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाता है, और महाराजा के घर में जो चोरी हुई है उसका बड़ा कनेक्शन पुलिस स्टेशन से होता है। मगर ये सांप एक प्रतीक दिखाया जाता है, फन फैलाए खड़ा ये सांप कोई और नहीं बल्कि कोबरा है, और कोबरा सांपों की उन प्रजातियों में से है जो भूख लगने पर अपने ही अंडे यानी कि अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। अब सेल्वम यानी अनुराग कश्यप का किरदार याद कीजिए। ये फिल्म में अपनी ही बेटी पर अत्याचार करता है, अनजाने में सही, लेकिन ये उसका स्वभाव गुण है और इसी की वजह से यह सब होता है। और सांप एक पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। बेहोशी से उठा महाराजा अब किसी के बाल काटने वाला नाई नहीं है बल्कि अपनी बेटी के ऊपर अत्याचारों का बदला लेने वाला बाप। नंबर 2, लाठी। जब महाराजा पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है तो पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला चोर को लाठी से मारता है, और इतना मारता है कि मार मार कर एक वक्त ऐसा आता है कि वो लाठी छूट कर गिर जाती है और वो महाराजा के सामने गिर जाती है। तब तक आप महाराजा की कहानी समझ नहीं पा रहे और दिमाग लगा रहे कि आखिरकार महाराजा क्या खेल रच रहा है। आगे हम देख पाते हैं कि महाराजा के पैर में घाव लगा है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता, और लाठी जो सामने होती है वो लाठी उठा लेता है और उसके सहारे वो उठ जाता है, और बाद में वही लाठी वो पुलिस वाले को वापस कर देता है। ये सीन और सीन में दिखे हुए लाठी एक प्रतीक है कि आगे चल के महाराजा को पुलिस वाले मदद करेंगे अपना मकसद पाने में। नंबर 3, चोर पुलिस। पुलिस स्टेशन में आपको एक चोर दिखता है, उस चोर का नाम है पुलिस। एक डायरेक्टर का ब्लफ है यानी कि आपको गुमराह कर दिया जाए ये सोचने के लिए कि पुलिस महाराजा की मदद करेगी, और इसी वजह से क्लाइमैक्स में जब पुलिस वाले महाराजा की मदद कर देते तो आप सभी लोग सरप्राइज हो जाते, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि जब महाराजा अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी कंप्लेंट कोई लेता नहीं, बाद में पुलिस वाले को 5 लाख रिश्वत देता है तो पुलिस वाले उसका काम करने के लिए मान जाते, और इसी वजह से हमें ऐसे लगने लगता है कि पुलिस वाले भ्रष्ट है और ये हमें यकीन दिलाया जाता है। लेकिन इस फिल्म में आगे कुछ और ही होता है, और भी ज्यादा सरप्राइज आते हैं, वो क्या आते हैं आप देख लीजिए। नंबर 4, चिकन इडली। इस फिल्म में खाने को भी एक प्रतीक की तरह दिखाया गया है। जब जब अनुराग कश्यप अपने साथी के साथ किसी घर में लूटमार करने जाता है यानी कि सोना चुराने के लिए जाता है क्योंकि उसके लिए वो खुशी का पल होता है, तो खुशी का पल दिखाने के लिए फिल्म में चिकन का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ फिल्म में या किसी सीन में कोई किरदार सैड हो या कोई किरदार उदासी हो तो उसे जताने के लिए वो किरदार इडली खाता है। जैसे कि महाराजा की बेटी जब कैंप में होती है तो उदास होती है तब वो इडली खाती है। नंबर 5, लक्ष्मी द डस्टबिन। ये इस कहानी का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, जो अपने प्यारे डस्टबिन यानी लक्ष्मी के खोने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा महाराज बहुत ही बड़ा राज छिपाया जा रहा है, जो पुलिस वाले को बिना पता चले उन लोगों को खोजना चाहता है जिन लोगों ने उसके बेटी के साथ बहुत गलत किया। लेकिन महाराज कभी भी टीम के डब्बे को डस्टबिन नहीं बल्कि लक्ष्मी बोलता। महाराज ज्योति लक्ष्मी का बॉन्ड कितना गहरा है इस फिल्म के शुरुआत में आपको दिखाया गया है। महाराज के लिए लक्ष्मी उतनी वैल्यू रखती है जितने की उसकी बेटी ज्योति रखती है। फिल्म में लक्ष्मी के जरिए एक डायरेक्टर एक घटिया इंसान की घटिया मानसिकता को दिखाना चाहता है। फिल्म में यह प्रतीक पूरी कहानी का सार बन जाता है। नंबर 6, महाराजा को इस फिल्म में बार बार क्यों दिखाया गया है। एक प्रतीकात्मक है जो एक बाल काटने वाला इंसान किसी भी इंसान की कुरूपता को काटता छाटता है। इस बात में इस सवाल का जवाब आ जाता है कि आखिरकार लीड कैरेक्टर महाराजा को इस फिल्म में बार बार क्यों बनाया गया है। और इस फिल्म को कहने में 2 टाइमलाइंस का यूज किया गया, और इस टाइमलाइन में करीब करीब 1 दशक का गैप है, यानी कि जो पहली कहानी में हमें दिखाया जाता है कि विजय सेतुपति अपने दुकान में सेल्वन यानी कि अनुराग कश्यप की बाल बनाते हैं और साथ में दाढ़ी भी करते हैं। सेल्वन की पत्नी का फिल्म में एक डायलॉग है कि दाढ़ी कराकर आप सुंदर लगते हो, इसी डायलॉग को फिल्म में हाईलाइट किया गया है। यही महाराजा जब चोर किरदारों को वस्त्र से काटता है तो इस फिल्म के लीड हीरो को यानी कि महाराजा को क्यों बार बार दिखाया गया है इसका मकसद पूरा हो जाता है। फिल्म के अंत में जब सेल्वन को पता चलता है कि ज्योति उसकी बेटी अमू है तो उसके सामने गिड़गिड़ा कर रोता है, लेकिन तब महाराज उसे कहता है कि वो मेरी बेटी। यह डायलॉग
लड़कियों के लिए घिनौनी मानसिकता रखने वाली उन सभी पिता के लिए है जो लड़की पैदा करने से आपके अंदर कोई जेंडर सेंसिटिविटी नहीं आती। केवल लड़की का पिता होना ये गारंटी नहीं कि आप किसी भी लड़की का सम्मान करते हैं, लड़कियों का सम्मान भी करना पड़ेगा। बहुत से मामले में हम देख पाते हैं कि लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने वाले उनके करीबी उनके रिश्तेदार होते हैं। महाराजा का डायलॉग इसका ट्रीटमेंट है। और फिल्म का सबसे आखिरी फ्रेम आपको जिंजर देने वाली इमेज के साथ छोड़ा जाता है। मिट्टी में ज्योति के पैरों की छाप है और सेल्वन का खून उस पर बहकर उसके पैरों का आकार ले लेता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये गोल्ड का पेंडेंट है जो सेल्वन ने अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। उस पेंडेंट में बच्चे के पैरों जैसी एक चरण पादुका है और ये महाराज का बदला पूरा होने का एक प्रतीक है। ये उसके बेटी के साथ हुए दुष्कर्मों का बदला है। पापी के रक्त से देवी के पैर धुल रहे। इन्हीं मीनिंगफुल चीजों के जरिए इस कहानी को कविता की तरह कहना यही खूबसूरती है महाराजा की। ये था डायरेक्टर का एक कहानी समझाने का नया तरीका जो आपका दिल खुश कर देता है और दिमाग झंझोड़ कर रख देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।